बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस निम्रा। टुडे इज़ आर थर्ड लेक्चर ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड आर टॉपिक नेम इज़ गुड मॉर्निंग। सो लेट्स टेक आउट योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 11। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रीड द फर्स्ट स्टैंजा, दैट इज द कुकरल क्रॉस इन द मॉर्न टू टेल अस टू राइज, and he that sleeps late will never be wise। it is our first stanza जो हमने हमारे previous lecture में पढ़ा था, ठीक है। and hopefully आप लोगों ने जो underlined words थे उनकी spellings भी बहुत अच्छे से याद कर ली होंगी और इसकी reading भी बहुत अच्छे से कर ली होगी। now our next stanza is this, let's read। for early to bed and early to rise is the way to be healthy, wealthy and wise। say good morning to everyone। when you go to the bed early, then you will be able to wake up in the morning। this is the only way to be healthy, wealthy and wise। आपको पता है जब आप रात को जल्दी सोते हैं तो आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और आपको पता है ये जो हम सुबह जल्दी उठते हैं इससे क्या होता है, हम सेहतमंद रहते हैं, ज़हीन होते हैं, ठीक है। आपको जब आप स्कूल जाते हैं तो रोज़ाना सुबह जब जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं, आप कितना अच्छा फ्रेश फील कर रहे होते हैं, आप अच्छा अच्छा काम भी कर रहे होते हैं। तो पता है ये हमारी डेली लाइफ की रूटीन हो गई है कि जब हम जल्दी सोएंगे तभी तो हम जल्दी उठ सकेंगे, और यही तरीका है कि आप उससे कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। आप ज़हीन भी रहेंगे, ठीक है, सारे काम आपके वक्त पे हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपको पता है आप जब सुबह उठते हैं तो आप सबको क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, या तो आप उन्हें अस्सलाम वालेकुम भी कह सकते हैं। जब आप स्कूल जाते हैं अपनी टीचर्स को गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा लास्ट स्टैंजा, इसमें क्या लिखा हुआ है, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा ये जो है इट्स अ मोरल ऑफ दिस पोयम, ये इस पोयम का जो मोरल है, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, ठीक है। नाउ आई एम रीडिंग दीज लाइन्स फॉर यू ऑल। फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू मी एंड देन यू विल रीड विथ मी, ओके। फॉर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, से गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। वंस अगेन, फॉर अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, से गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। नाउ आई हैव activity for you, take out your pencils, now underline these words along with me, okay। now number 1 is early, number 2 is rise, number 3 way, 4 healthy, number 5 wealthy, number 6 wise, and number 7 is everyone, okay। now these are the 7 words you have to underline, ठीक है। ये 7 वर्ड्स आपने अंडरलाइन करने हैं, ओके ना। अब मैं इन अंडरलाइन वर्ड्स को पढ़ रही हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ने हैं। जब आप ये वर्ड्स बार बार मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और आसानी से याद हो जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा, अर्ली। सब पढ़े मेरे साथ, EARLY, अर्ली, EARLY, अर्ली। नाउ द सेकेंड वन इज राइज, RISE, राइज, RISE, राइज। थर्ड वन इज वे, WAY, वे, WAY, वे। एंड नाउ द फोर्थ वन इज हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी। नेक्स्ट वन इज वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। एंड द नेक्स्ट वन इज वाइज, WISE, वाइज, WISE, वाइज। एंड द लास्ट वन इज एवरीवन,
everyone, 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 okay ना। ये 7 words जो हैं जिनको मैंने underline किया है, पढ़ा भी है, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, ठीक है। Now the homework is learn the spellings of underlined words and read the page number 11. Learn the spelling of underlined words means the 7 words which we have underlined yet. This is your homework. You have to memorize the spelling of these 7 words and you have to read the page number 11. This stanza you have to read, okay? 6 lines you have total. You have to read these 6 lines and memorize the spelling of the underlined words, okay? This is your homework. Okay, now thank you.